आदरणीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं तथा भक्तमती माता बहनों, आज मैं सदगुरु श्री विशाल साहेब का ग्रंथ भवयान है और उसी की कथा आप लोगों के समक्ष कहूँगा। भवयान, भव नाम संसार, यान नाम जहाज। जैसे समुद्र के पार होने के लिए जहाज की जरूरत पड़ती है, जहाज पे नहीं बैठेंगे समुद्र पार नहीं कर सकते हैं, इसी प्रकार से जो सदगुरु श्री विशाल देव ने भवयान ग्रंथ बनाया है, भव नाम संसार, यान नाम जहाज। संसार से तरने के लिए जहाज है। जैसे जहाज पर बैठ करके समुद्र को पार कर जाते हैं, इसी प्रकार से आप लोग भवयान की कथा सुनेंगे, भवयान को अपने घर में रख करके उसको पढ़ेंगे, अध्ययन मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और उसके भाव को अपने जीवन में धारण करेंगे तो जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। आप संसार सागर से पार हो जाएंगे। लोग संसार सागर में पड़े हैं और संसार सागर में पड़े हैं और उसी में मान रहे हैं कि हमको बाहरी सुख मिलेगा। सदगुरु श्री विशाल देव ने संसार को जहर रूप बताया है। संसार जहर रूप है। संसार में आप फंसेंगे, संसार में फंसेंगे, संसार में पड़ेंगे, कौन सा धन मिलता है? संसार में पड़ेंगे काम क्रोध लोभ जिए, काम क्रोध लोभ मोह, यही जीवित रहेंगे, यही धन मिलता है। और साधु गुरु प्रेम किए दया क्षमा तोषिए। अगर साधु गुरु से प्रेम करेंगे, सत्संग से प्रेम करेंगे, गुरुजनों से प्रेम करेंगे तो आपको दया है, क्षमा है, सत्य है, धीर है, विचार है, विवेक है, वैराग है, गुरुभक्ति है, ये धन मिलेगा। और ये धन से हमारा जीवन कितना महान बनेगा, कितना महान बनेगा। अगर मनुष्य को अपने जीवन में इन सद्गुणों को धारण कर ले तो जीवन कितना महान बन जाए, कितना महान बन जाए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, मानस तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आवरण, तुझा न बाजन बाज। मानस तेरा गुण बड़ा। कबीर साहब कहते हैं, मनुष्य तुम्हारे अंदर में जो गुण है उसी की विशेषता है, वही बड़ा है। अगर उसमें सद्गुण नहीं है तो मनुष्य शरीर में आकर के क्या किया? मानुष तेरा गुण बड़ा। मनुष्य के अंदर में गुण ही बड़े हैं। मांस नावे काज, मनुष्य का मांस काम में नहीं आता है। और हाड़ न होते आवरण, और हाड़ का कोई आवरण नाम गहना जेवर सोना, ये जेवर भी नहीं बनता है, आभूषण नहीं बनता है सोना से। तो हाड़ न होते आवरण, तुझा न बाजन बाज। और चमड़ी से कोई ढोलक नगारा बाजा भी नहीं बनता है। मनुष्य के अंदर में गुणों की विशेषता है। अगर उसमें भक्ति है, अगर उसमें बोध है, विचार है, दया है, क्षमा है, शील है, विचार है, इन सद्गुणों को धारण कर ले तो मनुष्य महान हो जाए। महात्मा गांधी जी ने सत, अहिंसा और ब्रह्मचर्य, सत, अहिंसा और ब्रह्मचर्य तीन सद्गुणों का पालन किया था। केवल तीन का ही उन्होंने अपने जीवन में सत, अहिंसा, ब्रह्मचर्य तीन सद्गुणों का पालन किया है। और तीनों सद्गुणों के पालन करने से वो कितने महान हो गए, उनको महात्मा कहा गया। महात्मा थे नहीं, वो राजनीतिक पुरुष थे, राजनीतिक में थे, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में होते हुए भी उन्होंने सत, अहिंसा, ब्रह्मचर्य का पालन किया है। लोगों को ब्रह्मचर्य के पालन करने में जान निकलती है, एक दिन का ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते हैं। जीवन भर के लिए ब्रह्मचर्य का पालन कौन करेगा? हाँ, जो वीर हैं, जो वीर लोग हैं जो जानते हैं कि मनुष्य जीवन का लाभ ब्रह्मचर्य है, वो लोग पालन करते हैं।
तो इस प्रकार से महात्मा गांधी तभी देश में छा गए तरुण सागर में। तरुण सागर ने मजाक उड़ाया है, इनकलाब किया है। जब मैंने गांधी को 500 नोट में पाया तो मेरा सर चकराया। 500 के नोट में गांधी जी बैठे हैं, 10 के नोट में भी बैठे हैं, 50 के नोट में भी बैठे हैं और 100 के नोट में भी बैठे हैं, 500 के नोट में भी बैठे हैं, 1000 के नोट में भी बैठे हैं। किसी को नहीं बैठाया गया, गांधी जी को बैठाया गया, क्योंकि गांधी जी महान पुरुष रहे। तो जब मैंने तरुण सागर मतलब जैन धर्म के प्रवर्तक, जैन धर्म में हुए हैं तरुण सागर, उन्होंने इनकलाब किया है। जब मैंने गांधी को 500 नोट में पाया तो मेरा सर चकराया। जब मैंने गांधी को 500 के नोट में पाया तो मेरा सर चकराया। मैंने कहा वारे गांधी, क्या चली तेरी नाम की आंधी, जीवन भर फिरे हुए एक लोट में आज बैठे हो 500 के नोट में। गांधी जी एक लंगोट और धोती, आधी धोती पहन लेते थे, आधी ओढ़ते थे। एक लंगोट और एक धोती में ही जीवन व्यतीत किए। तो वो कहते हैं कि जीवन फिरे हो एक लंगोट में और आज बैठे हो 500 के नोट में। किसी को देवी देवता को नहीं बैठाया गया, किसी ईश्वर ब्रह्म को नहीं बैठाया गया और किसी को नहीं बैठाया गया, महात्मा गांधी को बैठाया गया, क्योंकि महात्मा गांधी ने अपने जीवन में सत अहिंसा ब्रह्मचर्य का पालन किया था, इसलिए वो महान हो गए। कबीर साहब ने तो 8 महासतगुणों का वर्णन किया है, दया क्षमा सत धीर विचार विवेक वैराग गुरु भक्ति। ये 8 सद्गुण हैं, 8 को धारण कर लेगा तो न मालूम कितना बड़ा महापुरुष हो जाएगा, कितना बड़ा महापुरुष हो जाएगा। तो महापुरुष बनना चाहिए, ये आपके हाथ में है। तो सदगुरु श्री विशाल देव का ये ग्रंथ है भव्यान को आप पढ़ेंगे और पढ़ करके इसको मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और इसको अपने जीवन में धारण करेंगे तो संसार सागर से पार हो जाएंगे। संसार सागर में नहीं डूबेंगे, अभी संसार सागर में डूब रहे हैं, संसार सागर में पड़े हुए हैं और मन उसी में घूम रहा है, उसी में मन घूम रहा है, रात दिन उसी में चल रहा है। मैं कौन हूँ, जगत क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसको ताक में रख दिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, केवल माया मोह में पड़े हुए हैं। तो माया मोह से छुटकारा के लिए सदगुरु विशाल देव ने ये भव्यान ग्रंथ बनाया है। भव्यान ग्रंथ को आप लोग पढ़ेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे तो संसार सागर से पार हो जाएंगे। एक भव्यान है, पहला ग्रंथ है बीजक, सदगुरु कबीर साहब का बीजक ग्रंथ है, और दूसरा है भव्यान। कोई ग्रंथ न पढ़े, दो ग्रंथों को अच्छी तरह से जीवन भर पढ़े तो दोनों ग्रंथ पढ़ने से, भव्यान भी पढ़ने से और बीजक ग्रंथ पढ़ने से और भव्यान पढ़ने से जीवन का नक्शा ही बदल जाएगा। जीवन आपका इतना महान हो जाएगा और जीवन में जो टेंशन है, मोह है, ममता है और वे जो तमाम दुर्वसन है, दुर्गुण है, वो सब से अलग। बीजक आप पढ़ेंगे तो काम क्रोध लोभ मोह खत्म, ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, ना राग है, ना द्वेष है, ये सब खत्म, कोई इनकी कोई अस्तित्व ही नहीं है। रात दिन लोग विषय वासना में पड़े हुए हैं, विषय वासना भी खत्म, राग द्वेष भी खत्म, माया मोह भी खत्म, उसका जीवन कितना महान बनेगा। लेकिन लोग जो है ये आध्यात्मिक तरफ ध्यान नहीं देते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि नहीं लेते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान को उतना प्रेम नहीं करते हैं, धारण नहीं करते हैं,
उसी में पड़े हैं, वो कहते हैं कि यही सब कुछ है, गृहस्थी ही सब कुछ है। ठीक है, आप लोग गृहस्थी में हैं, गृहस्थी में रह कर के परिवार वालों की सेवा करो, अच्छा संस्कार दो, अच्छा बोध दो और उनको अच्छे रास्ते पर चलाने का। माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। संतान पैदा करना सरल है लेकिन संतान को अच्छे संस्कार देना ये कठिन है। माताएं जो है बच्चे पैदा कर लेती हैं लेकिन बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाती। अच्छे संस्कार मिलते हैं माता पिता के द्वारा लेकिन माता पिता अच्छे संस्कार ही नहीं हैं, माता पिता सत्संग से जुड़े ही नहीं हैं, कोई महात्मा से जुड़े ही नहीं हैं, तो अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगे? बच्चों को भी संस्कार नहीं दे पाएंगे। इसलिए माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को अच्छे संस्कार देना। और जो माता पिता बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं वही आगे बढ़ते हैं, वही आगे बढ़ते हैं और वही धर्म के प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार से इस शरण इस बयान का पहला शब्द है, शरण आए तुम्हारी गुरु हमें पार लगाओ। पहला शब्द है शरण आए तुम्हारी गुरु हमें पार लगाओ। हे गुरुदेव जी, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, अब हमें संसार सागर से पार लगा दिए। संसार सागर से पार लगाने वाले गुरुदेव ही हैं। जब जीवन में गुरुदेव मिलेंगे, गुरु मिलेंगे और उनकी सेवा करेंगे और उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, उनके अनुसार चलेंगे, तो निश्चय कि संसार सागर से आप पार हो जाएंगे। ये जीवन को, ये शरीर को सार्थक बनाने के लिए गुरु की आवश्यकता है। कितने लोग कहते हैं गुरु हम क्यों करें, गुरु करने से क्या होता है? अरे गुरु नहीं करोगे तो आपको रास्ता नहीं मिलेगा। गुरु रास्ता बताएंगे कि ये डामा रोड है, चले जाओ, दिल्ली पहुंच जाओगे। और गुरु नहीं करेंगे तो झाड़ जंगल में पड़ोगे, रास्ता ही मालूम नहीं है। तो कल्याण का रास्ता बताने वाले संत और गुरुजन होते हैं, वही कल्याण का रास्ता बताते हैं। तो संत और गुरुजन के शरण में जो कोई जाता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। बेड़ा पार कब होता है? जब उसके अनुसार चलें। और उनके अनुसार चले नहीं, गुरु कर लिए, मन गृहस्थी में है, मन गृहस्थी में भटक रहा है तो पार नहीं होगा। गुरु कर लिए हैं, गुरु करके फिर गुरु की शरण में रहना है, गुरु की सेवा करना है, गुरु की आज्ञा का पालन करना है और गुरु जैसा कहें वैसा करना है, तब उसका बेड़ा पार होगा। गुरु के साथ में रहेगा, सेवा नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा, वो जैसे का तैसा बना रहेगा, जैसा का तैसा बना रहेगा। गुरु की सेवा है वो महान है। किसी संत ने कहा है गुरु सेवा जन बंदगी सत्संगत बैराग, और ये चारों जब ही मिलें पूर्ण होवे भाग। गुरु करना और गुरु की सेवा करना जन बंदगी, बंदगी का भी मुख्य अर्थ सेवा ही होता है। जो जन बंदगी का मतलब है प्राणी मात्र की सेवा करना, गुरु की सेवा करना है, संत की सेवा करना है। लेकिन जो जन बंदगी मतलब है प्राणी मात्र की सेवा करना है, क्योंकि जो सेवा करेंगे तो उससे अच्छे संस्कार बनते हैं। और गुरु की सेवा वो सबसे बढ़कर के है। गुरु की सेवा करोगे तो आपको आत्म धन मिलेगा, आत्म ज्ञान मिलेगा, और आत्म ज्ञान हो गया तो फिर क्या पूछना, जीवन का उद्धार हो गया। जीवन का उद्धार हो जाता है। तो संत कहते हैं गुरु सेवा, गुरु करो और गुरु की सेवा भी करो। गुरु कर लिए सेवा नहीं करते हैं तो कुछ नहीं,
गुरु की सेवा करना चाहिए। गुरु की सेवा करने का मतलब है गुरु के लिए दातुन नहीं है, दातुन तोड़ करके ला दो, नहाते हैं तो उनका बाल्टी में पानी भर दो, उनके कपड़ा धो दो, तो ऐसा काम उसको शिष्य को करना चाहिए। लेकिन शिष्य से अहंकार में रहता है कि वो गुरु की सेवा नहीं करना चाहता, वो सोचता है कि ऐसे बने रहें तो ऐसे बने रहने से उसका कल्याण होने वाला नहीं है। वो गुरु की सेवा जितनी करेगा, सदगुरु श्री विशाल देव थे और उनके शिष्य श्री प्रेम साहब थे। प्रेम साहब इतना सेवा भावी थे, इतनी सेवा करते थे, वो सेवा से ही तर गए और इतने बड़े महान पुरुष हुए हैं। प्रेम साहब जी इतने महान पुरुष हुए हैं, बहुत बड़े महान पुरुष हुए हैं, वो सेवा करने से ही हुए, गुरु की सेवा करते रहे। और आजकल के साधु लोग हैं, गुरु कर लेते हैं, गुरु की सेवा से कोई मतलब नहीं, अध्ययन करेंगे और पुस्तक पढ़ेंगे, उससे हम अपना कल्याण कर लेंगे। पुस्तक पढ़ने से कल्याण नहीं होगा। एक शिक्षक यानी मास्टर मिले, वो आए, साहब आप गुरु की बड़ी विशेषता गाते हैं, हम गुरु न करें, हम तो गुरु नहीं करते, हम तो पुस्तक पढ़ करके अपना कल्याण कर लेते हैं, कर लिए अपना कल्याण कर ले, मतलब अपना कल्याण हो जाएगा। तो हमके पुस्तक करने से कल्याण नहीं होगा, गुरु आपको करना पड़ेगा। और कोई कहता तो ठीक था, आप मास्टर होकर के ये बात कहते हैं कि गुरु नहीं करना चाहिए, केवल पुस्तक से कल्याण हो जाएगा। कोई भी संसार में ऐसी पुस्तक नहीं है जो उसको पढ़ कर के और हम कल्याण कर लें। सारी पुस्तकें हैं, वो विद्यार्थी जब स्कूल में जाता है तब शिक्षक जो है वो पुस्तक को पढ़ाता है, उसको लिखाता है, तब उसको ज्ञान होता है। पुस्तक पढ़ने से ज्ञान नहीं होगा। जब गुरु की शरण में जाएंगे, गुरु की शरण में जाने से वो भेद मिलेगा और उस भेद को मिल जाएगा, उस चाबी को मिल जाएगा, तभी ताला खुलेगा। इसी प्रकार से जब गुरु कर लेंगे, वो भेद बताएंगे, वो सारा रहस्य बताएंगे, वो रहस्य को आप जान जाएंगे, उस समय जब कोई भी पुस्तक पढ़ेंगे आप अपना कल्याण कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, गुरु का भी चुनाव करना चाहिए। राम, जिनको आप लोग राम कहते हैं और कहते हैं राम 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 कहने से कल्याण हो जाएगा, राम राम कहने से संसार सागर से तर जाएंगे, वो राम ने भी गुरु किए हैं। राम ने गुरु किए हैं। राम के गुरु कौन थे? राम के गुरु, हाँ, राम के गुरु वशिष्ठ जी हैं। और जब वशिष्ठ जी राम जो तीन लोग के कर्ता धर्ता मानते हैं और उनका स्मरण करने से, राम राम कहने से संसार सागर से तरना मानते हैं, वो राम भी गुरु किए हैं। अब राम को गुरु करने की क्या जरूरत है, वो तो तीन लोग के कर्ता धर्ता मानते हैं, लोग उनका नाम स्मरण करके तरना चाहते हैं। ऐसे राम ने भी गुरु किया है, राम के गुरु वशिष्ठ जी हैं। जब वशिष्ठ जी उनके घर जाते हैं तो दरवाज़ा खुला हुआ है, राम के घर में सिंहासन लगा था, अब वो सिंहासन पर बैठ गए, बैठे हुए हैं, राम उनके गुरु महाराज आ रहे हैं, दरवाज़ा खुला हुआ है, तो वो देखते हैं कि हमारे गुरु महाराज आ रहे हैं। तो वो सिंहासन से उतर करके और दरवाजे के बाहर जा कर के राम का साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। साष्टांग दंडवत प्रणाम जानते हैं, जमीन में लेट करके, यहाँ तो बंदगी भाव करना मुश्किल जाता है, लोग जो है बंदगी भाव नहीं करेंगे, और राम उनका धरती में लेट करके प्रणाम करते हैं। फिर सादर अर्घ दरगाने, वो सादर नाम आदर के सहित, और अपना कपड़ा, नया कपड़ा बिछाते हुए
नया कपड़ा बिछा करके उस पर चलाते हैं, वो जमीन में नहीं चलाते हैं, वो नया कपड़ा बिछाते हुए और राम को उसी पर चलाते हैं वशिष्ठ को, और वशिष्ठ जी उसी चलते 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 वो सिंहासन पर बैठारते हैं, अपने सिंहासन पर बैठारते हैं और बैठा करके राम तो गए, तो राम जो है 16 बांध पूछ सम्मान, तो गुरु आगमन सुना रघुनाथा, रघुनाथ भगवान राम जब गुरु का आगमन सुनते हैं तो द्वार आयु नायु मन माथा, तो दरवाजे पर आकर के अपने मथा को उनके चरणों में टेक देते हैं, फिर सादर अर्घ दे घर आने, फिर आदर के पूर्वक अपने घर के भीतर ले जाते हैं और 16 बांह पूछ सम्मान, वो एक प्रकार से नहीं, दो प्रकार से नहीं, पांच प्रकार से नहीं, वो 10 प्रकार से नहीं, 12 प्रकार से नहीं, वो 16 प्रकार से अपने गुरु वशिष्ठ जी की पूजा करते हैं। यहाँ लोगों को 2-4 प्रकार से भी मालूम नहीं है, ज़्यादा हुई तो बंदगी कर लिए, ज़्यादा हुई तो बंदगी कर लिए, ज़्यादा और कुछ हुई है तो भोजन वजन के अपना व्यवस्था कर दिए, और कुछ नहीं, लेकिन वो 16 प्रकार से अपने गुरु जी की पूजा करते हैं, 16 प्रकार से, यहाँ लोगों को 2-4 प्रकार से भी मालूम नहीं है, और राम जो है वो 16 प्रकार से अपने गुरु वशिष्ठ जी की पूजा करते हैं। तो 16 बांध पूज सम्मान, 16 बांध से उसके आदर पूर्वक पूजा करते हैं, गए चरण से सेत बहोरी, फिर सीता जी आकर के उनके चरणों को धोती हैं, यहाँ तो छत्तीसगढ़ में तो माताएं चरणों को धो लेती हैं, उत्तर प्रदेश में महात्मा के साधु के कोई भी चरण नहीं धोएगा, चरण कोई भी नहीं धोएगा चाहे कैसा महात्मा हो, यहाँ तो माताएं हैं वो चरणों को धोती हैं, तो गए चरण से सेत बहुरी, फिर सीता जी आकर के उनके चरणों को धोती हैं और चरणामृत लेती हैं, चरणामृत समझते हैं अंगूठा को धो करके वो चरणामृत लेती हैं, और उसका राम भी पान करते हैं, सीता पान करते हैं, और उसके घर वाले सब लेते हैं और उस पान को अपने घर में भी छिड़कते हैं जिससे घर हमारा पवित्र हो जाए। तो 16 बांध पूज सम्माने 16 प्रकार से अपने गुरु वशिष्ठ जी की पूजा करते हैं। फिर आया सोचो कीन गोसाई आश नाम आज्ञा, हे गुरु महाराज आप हमें आज्ञा दीजिए, मैं आपकी सेवा के लिए तत्पर हूँ, सेवा के लिए खड़ा हूँ, आप अपने तन से मन से वचन से धन से जिस प्रकार से आप सेवा का आदर दें उस प्रकार से मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो जो राम हैं जिनको लोग 3 लोग के कर्ता धर्ता मानते हैं और जिनके साथ में तरना चाहते हैं, वो राम भी गुरु का गुरु की शरण में गए हैं और गुरु की शरण में जाकर के गुरु की सेवा किए हैं, तब उनका जीवन का उद्धार हुआ है। आज जो है तभी उनका उद्धार हुआ है, आज घर घर में राम की फोटो रखते हैं, राम की उपासना करते हैं, और जिनको बोध नहीं है वो राम ही की पूजा करते हैं, राम ही को उपासक मानते हैं, राम कृष्ण के संसार में बाहरी उपासना हो रही है, राम कृष्ण संसार में छाए हुए हैं, राम कृष्ण संसार में छाए हुए हैं, सब राम कृष्ण की पूजा करते हैं। तो पूजा क्यों करते हैं, उन्होंने गुरु की, राम ने भी गुरु की सेवा की है और कृष्ण ने भी की है, कृष्ण के गुरु कौन है, कृष्ण के गुरु नहीं मालूम है, है। संदीपनी तो शिक्षा गुरु है, संदीपनी जो है शिक्षा गुरु, राम के 3 गुरु हैं, पहले गुरु हैं गर्गाचार्य, वो कुल गुरु हैं, जैसे कुल में कोई गुरु कर लेता है, दूसरे गुरु हैं ये संदीपनी, वो शिक्षा गुरु हैं, उनके द्वारा उनको शिक्षा प्राप्त हुई थी, तीसरे गुरु हैं घोर अंगरस, उन्होंने आत्मज्ञान का उपदेश दिया है, तो घोर अंगरस ही यथार्थ गुरु है, उन्होंने कहा है कि हे देव की पुत्र कृष्ण तुम जो है गुरु की सेवा करना, गुरु की सेवा करोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा,
तो कृष्ण ने मतलब घोर अंग्रस ने कृष्ण को वो आत्मज्ञान का उपदेश दिया है, गुरु की सेवा करोगे तो गुरु के द्वारा आपको आत्मज्ञान होगा और आत्मज्ञान होगा तो संसार सागर से तर जाएंगे, संसार सागर से मुक्त हो जाएंगे, कोई बचाए तर जाएंगे आप। तो कृष्ण है वो अपने गुरु की सेवा में लग गए। गुरु की सेवा कृष्ण ने बहुत की है, कपड़ा धोए हैं, भोजन बनाए हैं, बहुत सेवा की है तब वो महान बने, तब आज कृष्ण की गुरु कृष्ण ने गुरु की सेवा की है, गुरु का पूजन किया है, गुरु के द्वारा आत्मज्ञान हो गया है और गुरु इतने महान और उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं इसलिए आज पूज रहे हैं। आज लोग कृष्ण को पूज रहे हैं, राम को पूज रहे हैं, राम कृष्ण की कोटि घर घर में रखी है, उनको पूज रहे हैं, उनकी उपासना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुरु किए थे और गुरु करके उनकी उपासना किए थे, उनकी भक्ति किए थे, इसलिए वो भक्ति करके महान हुए, महान हुए और महान होकर के आज उनकी चर्चा घर घर में फैल रही है, घर घर में। तो इस प्रकार से आजकल के लोग न गुरु की सेवा करना चाहते हैं, न गुरु के अनुसार चलना चाहते हैं। वो तो कहते हैं कि हम तो पुस्तक पढ़ करके अपना कल्याण कर लेंगे, पुस्तक पढ़ करके कल्याण कर लेंगे, लेकिन पुस्तक कर करके कल्याण नहीं होगा। जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे, उनकी उपासना नहीं करेंगे, उनके अनुसार नहीं चलेंगे तो कल्याण होने वाला नहीं है, कल्याण होने वाला नहीं है। और वो जैसे के तैसे ही बने रहेंगे जीवन भर। जब मैं घर में था, जब मैं गुरु के शरण में आया, एक एक कुंटल का आटा माड़े, एक कुंटल का आटा माड़ोगे नहीं माड़ पाओगे। दोनों साहेब अभिलाष साहेब और सदगुरु श्री राम साहब राम सूरत साहब एक पहले एक जमात चलती थी। छत्तीसगढ़ में आते थे तो 300-300 का 400-400 का भोजन रोज बनता था, रोज डेली, और उतना और एक एक कुंटल का आटा मारते थे। एक कुंटल का आटा आज का तो 5 किलो का आटा साधक नहीं मारेगा, वो कहेगा कि आटा मारने के लिए हम साधु हुए? वो तो घर में हम सत्तू नहीं मारते थे, यहाँ आटा क्यों मारे? आटा नहीं मारेगा तो चल देगा घर में, तो कुछ नहीं मिलेगा घर में, जाएगा नाक रगड़ेगा। घर में वो जैसा तैसा कर्म कर सकता है, घर में तो है वो चाहे जैसा कर्म हो वो करेगा, लेकिन गुरु के शरण में जा करके काम नहीं करना चाहता। गुरु के शरण में जाएगा तो काम क्यों करें? काम करने से क्या, हम तो घर में काम नहीं किए हैं, हम गुरु के शरण में काम क्यों करें? हम तो साधु हुए हैं, साधु होने का मतलब है खाली हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना, ये साधु का लक्षण नहीं है। साधु को पहली शिक्षा है, पहले जब निकले तो उसकी सेवा है, उसको सेवा है, वही उसका भजन है, वही उसका ध्यान है। वो पहले नंबर में सेवा नहीं करेगा, ध्यान नहीं करेगा तो काम नहीं बनेगा, काम नहीं बनेगा। उसको गुरु का चुनाव करना चाहिए। जब गुरु का चुनाव करेगा, गुरु के शरण में जाएगा, तभी उसका कल्याण होगा, तभी उसका कल्याण होगा। और नारियों को भी, कितनी नारियां हैं, कितनी स्त्रियां हैं, वो कहते हैं कि हमारे लिए पति सब कुछ है, पति है वो सारी व्यवहार में पति ठीक है, लेकिन पति के द्वारा आत्म कल्याण नहीं होगा। क्या होगा? पति के द्वारा आत्म कल्याण होने वाला नहीं है। जब तक वो स्त्रियां भी गुरु के शरण में नहीं जाएंगी तो कल्याण नहीं होगा। वो पार्वती के गुरु कौन थे? नारद जी। पार्वती जब नारद जी के पास जाती हैं तब उनका उद्धार है। और जो रामायण में कथा आती है शिवजी भाई के गुरु कौन थे? मतंग ऋषि। जब उनकी शरण में गई है तब उसका उद्धार हुआ है। जो शिवली भाई थी वो नीच घर की लड़की थी, नहीं ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, नीच कोई नहीं है, सब उच्च हैं, सबके अंदर में आत्मा बैठी है, सब बराबर हैं। दे दे
हे भाव से भले उनको कह लो, लेकिन आत्मा सबके अंदर में, सबके अंदर में जीव है। वो हम तुम पारक में है, एक पारक, हम तुम पारक में एक एक है। पारक नाम स्वरूप ज्ञान, आत्म ज्ञान। सबके अंदर में आत्मा बैठी है, सबके अंदर में जीव बैठा है, सब बराबर हैं। लेकिन लोग मानते हैं वो तो नीच है, वो चमार है, उसको चमार कहते हैं, उसको नीच कहते हैं, उसके हाथ का हम पानी नहीं पिएंगे। अपने को बहुत बड़ा ब्राह्मण, अपने को मानते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण हूँ, शराब पी रहे हैं तो ब्राह्मण किस काम के, शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं और भी गाली दे रहे हैं और कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। ऐसे कोई ब्राह्मण नहीं बनता है, कोई जात से बड़ा नहीं होता है। चाहे कोई ब्राह्मण के घर में शरीर भरे शरीर पैदा हो, लेकिन मनुष्य मनुष्य बड़ा होता है तो गुणों से बड़ा होता है। मनुष्य के अंदर में दया है, क्षमा है, शील है, विचार है, भक्ति है, ये होना चाहिए। मनुष्य के अंदर में ये गुण होंगे तभी वो बड़ा होगा। भक्ति होगी, भक्ति से अब शिवरी भाई है, उसने मतंग ऋषि की भक्ति की, मतंग ऋषि की सेवा की और वो कितनी महान हो गई। रामायण में श्री भाई की कथा आती है, श्री भाई की कथा आती है और वो कथा सुन करके ही, उसकी सेवा करके ही महान हो गई। और नीच घर की थी, कोलवीर की लड़की थी, कोलवीर नंबर एक के मांसाहारी होते हैं, शराब पीते हैं और गंदे काम करते हैं। उस घर में पैदा हुई थी और उस घर में पैदा होकर के वो मतंग ऋषि की भक्ति की सेवा की। वो रामायण में उसका इतिहास, इतिहास में उसका नाम प्रसिद्ध हो गया। शिवरी भाई आप रामायण पढ़ेंगे, रामायण की कथा आती है, रामायण में शिवरी भाई की कथा आती है। तो भक्ति के द्वारा ही कितनी महान हो गई है। तो नारियों को भी भक्ति में लगना चाहिए, क्योंकि पति है ये व्यवहारिक दर्जा है। पति की सेवा करो, तन से, मन से, वचन से पति की सेवा करनी चाहिए। लेकिन अपने जी, अपने कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, मन की शांति के लिए, शांत होने के लिए गुरु की भी शरण में जाना चाहिए। क्योंकि गुरु के शरण में जाएंगे तो गुरु के शरण में जाने से ही आपको शांति मिलेगी। क्योंकि गुरु गुरु जो है वो आपको वो ज्ञान देंगे। सारे संसार में भटेगा वो ज्ञान मिलने वाला नहीं है, वो ज्ञान आपको देंगे। और वो ज्ञान को आप धारण करेंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे तो आप हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे, हमेशा के लिए मन की जलन खत्म हो जाएगी। मन कितना परेशान कर रहा है, मन कितना परेशान कर रहा है, इधर उधर दौड़ रहा है। तो गुरु के शरण में जाते हैं तो मन एकाग्र हो जाता है, सेवा करने से एकाग्र हो जाता है। अगर वो तन से, मन से, वचन से, धन से गुरु की सेवा करे तो सेवा करने से ही उसका उद्धार हो सकता है। लेकिन सेवा का भाव उसके अंदर में है ही नहीं। उसके अंदर में तो ये है कि हम पुस्तक पढ़ें, विद्वान बने, प्रवचन करें, हमारा कल्याण हो जाएगा, उससे कल्याण होने वाला नहीं है। तो भव्यान की कथा है, ये भव्यान में सदगुरु श्री विशाल देव का बनाया हुआ है। भव नाम संसार, यान नाम जहाज, संसार से तरने के लिए ये जहाज है। अगर आप मन से पढ़ेंगे और इसको आचरण अपने जीवन में धारण करेंगे तो संसार से आप सदा के लिए पार हो जाएंगे। तो इसमें पहला शब्द है, शरण आए तुम्हारी गुरु हमें पार न लावे। ये साधक है, मनुष्य है, मनुष्य संसार में रह कर के संसार से उदासीन हो गया। संसार में क्या, संसार से प्रेम करेंगे, काम क्रोध लोभ मोह विषय वासना, यही धन मिलता है और ये धन उसको जीवन भर रुलाता है। जीवन भर रुलाएगा, जीवन भर उसका साथ नहीं देगा। और ज्ञान धन है ये आपके साथ चलेगा, आपका साथ छोड़ने वाला है ही नहीं, ऐसा ज्ञान धन है। तो जो मन साधक है वो संसार में रहा तो संसार की दशा को देख करके संसार में फंसा रहा और घर गृहस्थी के जाल में फंसा रहा,
तो उसमें देख करके उसको बड़ी बेचैनी हुई, बड़ा दुख हुआ और दुखी होकर के संसार से दुखी होकर के वो गुरु की शरण में गया। अब जब गुरु की शरण में जाता है तो वो साधक क्या कहता है, शरण आए तुम्हारी गुरु हमें पार लगाओ, हे गुरुदेव अब मैं आपकी शरण में आ गया, आपकी शरण में आ गया हूँ। सो रहे हो क्या? नींद आ रही है? नींद नहीं आना चाहिए। सो रहे हो? हाँ, सोना नहीं चाहिए। तो जो साधक है वो पहले संसार में रहा, संसार के दुखों को देख करके घबरा करके, संसार में दुख ही दुख है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, रमणी सदा संसार भयंकर भारी। कैसे है ना? वो आया है मतलब संसार में भयंकर दुख है, कहीं मुकदमा लगता है, कहीं किसी का शरीर छूटता है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, एक में खटपट लगी रहती है। शरीर रोगों की खान, शरीर में अनेक प्रकार के रोग हैं। डॉक्टर के पास में जाएंगे तो एक रोग को दिखाएंगे वो 10 रोग निकाल देगा। तो शरीर रोगों की खान है, खदान है, जैसे बालू की खदान होती है, कोयला खदान होती है, जैसे शरीर रोगों की खदान है। शरीर में एक रोग नहीं होता है, तमाम रोग होते हैं। शरीर रोगों की खदान खान और गृहस्थी शोकों की खान। गृहस्थी में शोक संताप लगा हुआ है, कोई भले न कहे लेकिन बहुत दुख है, बहुत दुख है। एक महिला थी, एक लड़की थी, वो सेठ की लड़की थी और वो सेठ बहुत पैसा वाला था। लड़का कोई नहीं था, केवल लड़की थी। एक नौकर था और वही अपना सब काम करता था। तो नौकर जवान रहा तो लड़की उसको देख करके और अपना प्रभावित हो गई, मोह करने लगी। तो लड़के ने समझाया कि ऐसा करना ठीक नहीं है, सेठ जान लेगा तो हमारी जान ले लेगा, हमको मरवा देगा, पैसा वाला है, इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं। वो लड़की नहीं मानती है, मोह में पड़ गई। तो बहुत उसने समझाया है, लड़की नहीं जब मानी है तो एक रात्रि में वो लड़की है लड़का को उस नौकर को लेकर के, बहुत धन की कोई कमी नहीं थी, वो हीरा जवाहरात पुन्ना पुखराज नीलम और तमाम सोना चांदी लेकर के, जितना धन उसके पास चला उतना धन लेकर के वो रात ही रात में भाग गई। दोनों भाग गए तो चलते 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 दिन हो गया। अब आगे चल कर के एक जंगल पड़ता था, जंगल पड़ता था, वहीं पर एक कुआ भी था। तो उसने लड़की ने कहा कि यहाँ पर अब भूख लगी है, जलपान कुछ कर लें। तो दोनों रुक जाते हैं, तो जलपान तो कुछ था ही नहीं, तो रोटी बना लें, आटा यहाँ से ले गए थे। तो पुरुष से कहे कि तुम लकड़ी तोड़ करके ले आओ। तो वो जंगल में जाता है लकड़ी तोड़ने के लिए, पेड़ पर चढ़ता है और चढ़ करके लकड़ी तोड़ रहा था, उसी पेड़ पर एक सर्प बैठा था। उस सर्प ने काट लिया और वो गिर गया, मर गया। तो उधर लड़की जो है वो गर्भवती हो गई थी, तो उसी समय उसको बच्चा पैदा हुआ। तो बच्चा पैदा हुआ, बच्चे को पालन पोषण करके बहुत देर हो गई, जब नहीं आए तो वो बच्चे को गोद में ले करके और वो देखने जाती है तो मरा हुआ पड़ा है। तो उसके सारे जो है उसको बहुत दुख होता है, रोती है, चिल्लाती है, कौन सुनने वाला है, बहुत दुख हुआ। उसने कहा कि जिस पति के चक्कर में हम पड़े थे उसका अंत हो गया है, अब मेरा कितना दुखी हूँ, बहुत दुख हुआ। तो अब क्या करें, अब आगे बढ़ती है। तो एक नाला था, नाला चौमास का महीना था,
बारिश हो रही थी तो नदी नदी में मतलब नाला था, नाला गहरा नहीं था ज़्यादा, लेकिन नाला में पानी था। तो वो सोचते हैं कि हम पहले पार कर आए, तो वो जो है पहले पार करके देखा है नाला कितना गहरा है। तो वो लड़के को लेकर के गई नाला को पार, देखते हुए नाला को उस पार एक कपड़ा बिछा करके छोटे बालक को मतलब लिटा दिया और अपन चली आई। इधर इधर आती है एक और लड़का था उसका, तो उस लड़के को लेने के लिए आती है और वो उसका हाथ पकड़ करके ले जाती है। तो वो भी नाला तेजी से बह रहा था तो उसके पैर नहीं रुके, वो भी बह गया। और उधर जाती है तो उधर वो जंगल का जो शेर है चीता है वो आ गया और वहीं से वो लड़कारती है फटकारती है, लेकिन काम आने वाला है, बच्चे को उठा करके ले गया। तो उसकी गृहस्थी है 2-4 घंटे में ही डूब गई। वो कहती है जिस गृहस्थी के लिए मैंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, माता पिता छोड़ा, उसमें रह करके मुझे कितना दुख मिल रहा है, कितना दुख मिल रहा है। वो एकदम पगली हो गई, कपड़े बड़े उधार करके फेंक दिए, नंगे घूमने लगी। तो घूमते 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 वो महात्मा वहीं होकर के निकले। तो उस समय महात्मा बुद्ध का जमाना था। महात्मा बुद्ध ने कहा कि उसको बुलाओ। उसको बुलाया, उसको कपड़े पहनाए, कपड़े पहना करके महात्मा बुद्ध ने कुछ उपदेश किया। तो उनके उपदेश को देख उनको सुन करके बड़ी प्रसन्न हुई और उसको बड़ा अच्छा लगा। फिर वो वहीं रहने लगी। महात्मा बुद्ध उसको रोज़ उपदेश देते रहे। तो महात्मा बुद्ध की वाणी को सुन सुन करके उसके भीतर का जो विकार था वो सब निकल गया और उसका जीवन इतना उच्च हो गया। फिर उसने महात्मा बुद्ध ने साधु का बेच दिया। बेच ले करके उसने 3 ग्रंथ बनाए मोटे मोटे और महात्मा बुद्ध के साथ में रहती रही। तो गृहस्थी में रह करके कितना दुख मिला उसको, लेकिन जब वो संत के शरण में आ गई तो जीवन उसका कितना महान हो गया, कितना महान हो गया। तो कहने का मतलब है गृहस्थी में रहे ठीक है, गृहस्थी चलाए, माता पिता की सेवा करे, सास ससुर की सेवा करे, पति की सेवा करे और पति भी उसको ही रक्षा करे, ऐसा कर्तव्य होता है गृहस्थी का। तो इस प्रकार से एक दूसरे की सेवा करना गृहस्थी में भी ठीक है, अच्छा है, अच्छे व्यवहार से रहना चाहिए। लेकिन अगर कोई अपना कल्याण चाहता है तो गृहस्थी से छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि गृहस्थी में रह करके उसका आत्म उद्धार नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा। सुख शांति मिलेगी, सुख शांति मिलेगी, धन वैभव मिलेगा। गृहस्थी में रह करके वो अपना कल्याण चाहे तो कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण तो संत की शरण में जाना ही पड़ेगा। संत की शरण में जाओगे और उसकी सेवा करोगे, उनके अनुसार चलोगे, अध्ययन मनन करोगे, तब कल्याण होगा। तो साधक है, गुरु की शरण में आया है, तो वो कहता है शरण आए तुम्हारी गुरु हमें पार लगाओ। हे गुरुदेव जी, अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, आपके पास आ गया हूँ, संसार सागर से घबरा करके आ गया हूँ। संसार में दुख ही दुख है, इसलिए मैं संसार से घबरा करके आपके पास आया हूँ। तो शरण आए तुम्हारी, हे गुरुदेव मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, अब हमें गुरु हमें पार लगाओ, अब हमें संसार सागर से पार लगा दी, अब हमें संसार सागर से डूबने की जरूरत नहीं है। संसार सागर में कि संसार सागर का देख लिए हैं, संसार में दुख ही दुख है और इस घबरा करके आपकी शरण में आया हूँ। अब मुझे आप बोध दें, ज्ञान दें और मुझे रास्ता बताएं। आपके ज्ञान से ही, आपके बोध विचार से ही हम संसार सागर से पार हो जाएंगे। तो इस तरह से कहता है कि शरण आए तुम्हारी गुरु हमें पार लगाओ। हे गुरुदेव जी, अब हमें पार लगा दीजिए, संसार सागर से पार लगा दीजिए, अब हम आपकी शरण में
आ चुके हैं। इस प्रकार से शरणाय तुमरी, गुरु हमें पार लगाओ। हो गया समय के और कहाँ साहब? अच्छा, तो हो वे कठिन थे गुरु मारा, कब तक कहेंगे साहब? होवे कठिन ठीक गुरु मारक जस बंधन मन भाव। अब शिष्य कहता है होवे कठिन ठीक गुरु मारक, गुरु के मार्ग में, गुरु का मार्ग है भक्ति के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में, गुरु के मार्ग में हमारा ठीक नाम पक्ष, हमारा जो पक्ष है, हमारा जो भाव है, हमारा जो मन है, उसी में लग जाए। जैसे पार्वती ने ठीक कर रखा था, बरो समन्वित नाव कुंवारी, अगर मैं बर चुनूंगा तो शिव जी को चुनूंगा, नहीं तो हम कुंवारे रह जाएंगे, हमें कोई जरूरत पथ की नहीं है। जैसे पार्वती ने ठीक पकड़ रखा था कि हम शिव जी को ही पति बनाएंगे, और वो पति नहीं बनेंगे तो हम कुंवारी रह जाएंगे, हमें पति की कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे पार्वती ने टेक पर रख रखा था कि हम जो है शिव जी को पति बनाएंगे, उसी प्रकार से यहाँ शिष्य कह रहा है शिष्य कह रहा है गुरु मारक, हे गुरुदेव हमारा गुरु मारक में, भक्ति मारक में उसी प्रकार से प्रेम हो जाए जैसे पार्वती ने टेक पकड़ रखा था, उसी प्रकार से मैं भी अपनी टेक पकड़ रखा हूँ कि भक्ति के मार्ग में हमारा पक्ष हो जाए, भक्ति के मार्ग में हम रहूं, भक्ति के मार्ग को छोड़ करके कहीं न जाऊं, ऐसा मैंने ठीक पकड़ रखा है। होवे कठिन ठीक गुरु मार्ग, हमारा जो ठीक है, हमारा जो भाव है, हमारा जो पक्ष है, वो गुरु के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में हो जाए। ऐसा जस बंधन मन भाव, जैसा भाव नाम अच्छा, जैसे बंधन हमको अच्छा लगता है, बंधन लोगों को कितनी प्रिय लग रहा है, बीड़ी पीना बंधन है, मतलब अपने शरीर को स्वास्थ्य को खराब करते हैं और एक आदत भी बना लिए हैं, तो गुरु के बीड़ी पीना एकदम बंधन है, शराब पीना बंधन है, तंबाकू खाना बंधन है, लेकिन इसी में लोग अपना मतलब है कि सुख मान लिए हैं, और सुख मान करके शराब पीते, एक शराबी को कहा जाए कि तुमको शराब नहीं पीना है, शराब छोड़ देना है, तो वो कहेगा कि भैया जीवन ले ले, लेकिन शराब अब नहीं छोड़ पाएंगे। बीड़ी वाले को कहो कि बीड़ी पीना तुम छोड़ दो, तो वो कहेगा कि हम और सब छोड़ सकते हैं लेकिन बीड़ी को नहीं छोड़ सकते। गुजरात में मैं गया तो एक आदमी था, वो 40 रुपए की रोज सिगरेट पीता था, बड़ा आदमी था, 40 रुपए की सिगरेट पीता था, तो मैंने उसको कुछ उपदेश किया और समझाया बुझाया तो सिगरेट पीना छोड़ दिया। तो कहने का मतलब है कि धनी लोग जो है ये इसी में, धनी लोग कहते गरीब हैं, खाने को नहीं मिल रहा है, तब भी तम्बाकू पीते, तब भी बीड़ी पी रहे हैं, तम्बाकू खा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दुर्व्यसन का त्याग होना चाहिए, बीड़ी से कोई पेट नहीं भरता है, ये गलत आदत है, तम्बाकू से कोई पेट नहीं भरता है, गलत आदत है, और भी कई गलत आदत है। एक लड़का था, छोटा लड़का था, उसको गुड़ खाने की आदत थी, गुड़ जानते, गुड़ जो मीठा होता है, गुड़ खाने की आदत थी, लेकिन लड़के लोग, छोटा सा लड़का था और गांव के लड़के लोग आ जाए इकट्ठे बैठे कि गुड़ खाओगे, कि हाँ खाएंगे, लेकिन हम मारेंगे मुक्का, दस दस मुक्का मारेंगे। उसने कहा कोई बात नहीं, 10 मुक्का मार लो, लेकिन हमको गुड़ चाहिए, तो वो थोड़ा थोड़ा गुड़ दें और 10 मुक्का मारें, तो 8-10 लड़के रहे तो बेहोश हो जाए, लेकिन उनको गुड़ खाने की आदत, गुड़ को नहीं छोड़ पा रहा है, तो मार सह देता है, बेहोश हो जाता है, लेकिन गुड़ को नहीं छोड़ पाता, आदत नहीं छोड़ पाता। तो कहने का मतलब यह है, लोग दुर्व्यसनों के इतने आदती हो जाते हैं
कि वो आदत से लाचार हो गए। आदत से लाचार हो गए फिर उनकी आदतें नहीं छूटती हैं। तो लोगों को मनुष्य जीवन मिला है, अपना भजन करो, भक्ति करो, सेवा करो, उपासना करो और अपने जीवन को अच्छा बनाओ, अच्छा जीवन बनाओ। कबीर साहब ने भी कहा है कि सकलो दुर्मत दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। काक गोंद गत छान के हंस गबन चला, कौए की चाल को छोड़ दे और हंस की चाल को चलो। तो लोग कहाँ कौए की चाल को चल रहे हैं, हंस की चाल को कहाँ चल रहे हैं। भारतीय परंपरा में हंस बहुत प्यारा पक्षी है और उसके विषय में दो कहावतें हैं। एक कहावत ये है कि हंस जो है मोती को चुगता है। मानसरोवर झील हिमालय के पास में मानसरोवर झील है, उसमें रहते हैं और वो मोती को चुगते हैं। दूसरी विशेषता यह है कि दूध और पानी अगर एक में मिला हो तो पानी को त्याग करके दूध का ग्रहण करता है। हंस पक्षी है, वो पक्षी है लेकिन कितना निर्मल है, कितना पवित्र है। वो दूध और पानी को मिला हो तो पानी को त्याग करके दूध का ग्रहण करता है और मोती को चुगता है। एक पक्षी इतना पवित्र है कि वो इतना पवित्रता से रहता है। मनुष्य कितना मान प्राणी है और उसको शराब चाहिए, उसको तम्बाकू चाहिए, उसको बीड़ी चाहिए, उसको सिगरेट चाहिए, पता नहीं क्या क्या, उसको मांस चाहिए, अंडे चाहिए, क्या क्या नहीं खाता पीता है। तो मनुष्य जीवन मिला है ये महान बनने के लिए मिला है। मनुष्य शरीर पा करके कितने लोग महान हो गए, राम कितने महान हो गए, कृष्ण कितने बड़े हो गए, कबीर साहब कितने महान हो गए, सनक सनंदन कितने महान हो गए। वो शरीर पा करके उन्होंने मतलब दुर्व्यसनों को त्याग करके, दोषों को त्याग करके और अपने मन इंद्रियों को बस में करके और अपने जीवन में सद्गुणों को धारण करके महान हो गए। मनुष्य चाहे अगर तुम चाहो तो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर मनुष्य चाहे तो तारे अगर तुम ठान लो आकाश के, अगर तुम ठान लो तो अगर तुम ठान लो आकाश के भी तारे तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तो विश्व के इतिहास में सोयस का एक नव अध्याय भी तुम जोड़ सकते हो। मनुष्य ठाने तो क्या नहीं कर सकता है। तो मनुष्य के अंदर में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है। मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन में मनुष्यता को धारण करना चाहिए, अच्छे आचरण से चलना चाहिए। मनुष्य जीवन कितना महान है, कितना श्रेष्ठ है, मनुष्य जीवन को पा करके और अच्छे आचरण से नहीं चलता है, अपने जीवन को अच्छा नहीं बनाता है। अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। हम मकान को अच्छा बनाते हैं, मकान आजकल कितना बढ़िया बनाते हैं, चार चार तल्ले का मकान बनाते हैं, कितना सुंदर मकान बनाते हैं, दुकान को भी खूब सजाते हैं, दुकान भी अच्छा बनाते हैं और शरीर को कितना अच्छा बनाते हैं, कपड़ा भी अच्छा पहनते हैं, भोजन भी अच्छा करते हैं, धन भी बहुत अच्छा कमाते हैं, परंतु जीवन को अच्छा नहीं बनाते हैं। शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, तम्बाकू खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, तो जीवन के स्तर को कितना गिरा लिया है, जीवन कितना गिर गया है। तो कबीर साहब कहते हैं कि अच्छा जन्म बनाओ। जैसे दुकान अच्छा बनाते हो, मकान अच्छा बनाते हो, सड़क अच्छा बनाते हो और कपड़े अच्छे पहनते हो और अच्छा भोजन भी करते हो, अच्छा सब काम करते हो, तो अपना अच्छा शरीर भी बनाना चाहिए, अच्छा जीवन भी बनाना चाहिए, अच्छे जीवन से जीना चाहिए। अच्छे जीवन से जिएंगे, अच्छा जीवन बनाएंगे तो आपका ही जीवन का उद्धार होगा। अच्छा जीवन बनाना संसार में सबसे बड़ा धन है। महाभारत में कहा है दुष्ट जी ने
पटका पाटका शैव च अन्य सात विचिंतका सर्वे विष्णु मूर्खा यह क्रियावान सब पंडिता। पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले और शास्त्र का अध्ययन करने वाले, पढ़ने वाले विद्यार्थी और पढ़ाने वाले टीचर मास्टर सब विष्णु और मूर्ख हैं। आजकल जो विद्यार्थी हैं वो भी तम्बाकू खाना शुरू कर दिए, वो भी तम्बाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, और मास्टर लोग भी गुटखा खाते हैं, तम्बाकू पीते हैं, बीड़ी पीते हैं। हमारा कॉलेज चल रहा है, हमने मन कर दिया है कि कॉलेज में कोई भी दुर्व्यसन को धारण नहीं कर सकता है। अगर दुर्व्यसन धारण करेगा तो घर जाए, कोई मास्टरी की ज़रूरत नहीं, घर में बैठे। और कोई लड़का है अपना किसी स्कूल में पढ़े, इसी स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कबीर साहब के नाम से है, कबीर ने सारे दुर्व्यसनों का त्याग किया है और सब लोगों को उपदेश दिया है, कोई भी मास्टर शिक्षक दुर्व्यसनों को धारण नहीं कर सकता है। लेकिन मनुष्य कितना डूब गया है, कितना मनुष्य डूबा हुआ है, कितना डूबा हुआ है, उसी दुर्व्यसन में पड़ा हुआ है। आज लोगों को दुर्व्यसन को त्याग करने की आवश्यकता है, दोषों को त्याग करने की आवश्यकता है। न ज़्यादा ऊपर उठ पाओ, न बैराग कर पाओ, न मोक्ष का काम कर पाओ, तो कम से कम मनुष्य जीवन पा करके अच्छे कर्म तो करना चाहिए। लेकिन लोग अच्छे कर्म ही नहीं करते हैं, मनुष्य चोरी करता है। चोरी करने का क्या मतलब है? चोरी करता है, हिंसा करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, गाली देता है, गाली देता है। गाली किसी को नहीं लगती है, गाली देने वाले को ही लगती है। कोई गाली देता है हमको, कोई गाली दे तो हम तो कहते हैं कि और मजदूर कर लो, दो मजदूर करके मुझे गाली दो। मुझे गाली लगती ही नहीं है, वो गाली देने वाले को ही लग रही है। वो गाली दे रहा है, उसका मन खराब हो रहा है, उसी का मन खराब हो रहा है। गाली किसी को नहीं लगती है, इसलिए गाली कोई देता हो तो उसको कहो कि और मजदूर करके गाली दो। लेकिन गाली का बदला गाली नहीं है, गाली का बदला मौन है। मौन रहना चाहिए, मौन रह जाओगे तो वो भी शांत हो जाएगा। आप मौन नहीं रहेंगे, उसने गाली दी, तुमने भी गाली दी, केस बढ़ गया, उसने तुमको, तुमने उसको मारा, उसने तुमको मारा, मुकदमाबाजी हुई, सारा घर खारा जमीन चली गई, क्या मतलब हुआ? इसलिए गुरु का चुनाव करो, गुरु की शरण में जाओ। तो साधक कहता है, शरण आए तुम्हारी, गुरु हमें पार लगाओ। हे गुरुदेव जी, अब मैं आपके शरण में आ गया हूँ, आपके पास आ गया हूँ, अब मेरी जो नैया है, नौका है, आपके आधार में, आप ही पार लगा सकते हैं। तो आप हमको बोध दे करके, ज्ञान दे करके और सद्बुद्धि दे करके और अच्छी राय दे करके मैं आपके पास रहूँगा, आपकी सेवा करूँगा, आपके ज्ञान विचार को सुनूँगा, अब मुझे संसार सागर से पार लगा दीजिए। इस तरह से जो साधक है वो संसार से घबरा करके, संसार के दुखों को देख करके गुरु के शरण में जाता है और गुरु के शरण में जा करके गुरु से उपदेश करता है। अरे गुरु को अपना मान करके उससे कहता है कि हे गुरुदेव जी, मुझे संसार सागर से पार लगा दीजिए, मैं संसार सागर का हाल देख लिया हूँ, संसार सागर में केवल दुख ही दुख है, अब हमें दुख से छुड़ा करके आपकी शरण में आ गया हूँ, अब मुझे संसार सागर से पार लगा दीजिए। इतना इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सतगुरु जी। गुरुदेव तुमको वंदनीय, गुरुदेव वंदनीय, गुरुदेव तुमको वंदनीय, गुरुदेव काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भा
परख लखाए ओभे व तुमको परख लखाए ओभे व तुमको वंदनीय गुरुदेव वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव गुरु समान और को दाता गुरु समान और को दाता के करिए सेव तुमको ताके करिए सेव तुमको वंदनीय गुरुदेव वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव वेद शास्त्र सब खोजत हार वेद शास्त्र सब खोजत मर्म न जानत केव तुमको मर्म न जानत केव तुमको वंदनीय गुरुदेव वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव साहिब कबीर अभय पद दात साहिब कबीर अभय पद दात पूरण परख समेव तुमको पूरण परख समेव तुमको वंदनीय गुरुदेव वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव साहिबंदगीस बोलिए सदगुरुदेव की जय सदगुरु कबीर साहिब की जय संत समाज की जय। आज के कार्यक्रम अभी का यहीं पर विसर्जन की जा रही है। रात्रि में हम सब 7:30 बजे से बीजक का पाठ एवं भजन हुआ सत्संग और होगा। जो भी आना चाहें तो रात्रि में भी आकर के लाभ ले सकते हैं और सुबह का समय तो काम धाम का रहता है। जो लाभ लेना चाहें पूज्य श्री साहिब के पास में 9 बजे के बाद आकर के उनके पास बैठ करके सत्संग के लाभ ले सकते हैं उनके आसन में।